नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के स्टूडियो में। बहुत दिनों के बाद हम केबिन का रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बैठा हूँ अभी XCMG ZL50 V-Leader की केबिन के अंदर। क्या कुछ मिलता है केबिन के अंदर वो मैं सभी आपको आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। सबसे पहले नजर जाती है हमारी बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले ये राउंड शेप स्टीयरिंग व्हील पे, जिसमें आपको बीच में XCMG का लोगो और हॉर्न भी आप यहीं से दबा सकते हो। राइट साइड में आपको स्टीयरिंग नॉब दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। व्हील लोडर जिस एप्लीकेशन में चलते हैं वहाँ टर्निंग का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। बीच में आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, बैटरी का वोल्टेज कितना है, और बीच में आपको छोटी सी MID स्क्रीन दी गई है। इसी के साइड में आपको AC के वेंट दिए गए हैं ऊपर और नीचे की ओर। यहाँ पर आपको दिए गए हैं लाइट के कंट्रोल, यहाँ पर आप इंडिकेटर दे सकते हैं लेफ्ट और राइट, यहाँ पर लाइट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आपको गियर दिए गए हैं, जिसको आपको ब्रेक दबा के आपको ये न्यूट्रल है, फर्स्ट और सेकंड गियर आप एंगेज कर सकते हैं। रिवर्स का भी आपको पीछे ऑप्शन दिया गया है। टोटल आपको 3 गियर देखने को मिलते हैं। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल लीवर जॉयस्टिक मिलती है, जिससे सारे बकेट के हाइड्रोलिक ऑप्शन फंक्शन होते हैं। यहाँ पर आपको इसकी गाइड भी दी गई है। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक लॉक का ऑप्शन दिया गया। अभी ये मशीन हाइड्रोलिक लॉक है, जैसे कि आप इसको ऑफ करोगे तो हाइड्रोलिक के सारे फंक्शन ऑन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको हेजार लैम्प के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पर लाइट के कंट्रोल है, ये दोनों लाइट की स्विचेस है, ये वाइपर का है। यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल दिए गए हैं, कौन से मोड में आपको कौन से मतलब फैन स्पीड कितनी रखनी है, ये कूलिंग टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे AC रहनी चाहिए। और बात करें तो 360 व्यू आपको मिरर दिया गया है, जिससे आपको पीछे सारा कुछ दिख जाता है। आप देख सकते हैं, अगर ड्राइवर साहब मशीन चला रहे हैं तो उनको पीछे से सारा व्यू आता है। ऊपर की ओर आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसमें आप USB और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो लाइटें दी गई है, अभी शायद ही लाइटें चालू ना हो क्योंकि इसकी बैटरी निकाली हुई है। यहाँ पर आपको फैन मिलता है, अगर आपको AC में मजा नहीं आता तो आप पंखे की हवा भी ले सकते हैं। पर एक और आपको ऑप्शन दिया गया है, बारी भी कह सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की ओर और ठंडी ठंडी हवा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें मैनुअल पार्किंग ब्रेक दिया गया है, अभी ये हैंड ब्रेक भी इसको बोल सकते हैं, कुछ लोग पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। सीट की बात करूं तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल, शानदार, ऑपरेटर को थकान ना लगे ऐसी आपको यहाँ पर ऑपरेटर सीट दी जाती है, जिसके पीछे आपको स्मार्ट स्टोरेज पर दिया गया है। पीछे आपको AC के वेंट दिए गए हैं और सीट काफी कंफर्टेबल बैठने में है। मैं 6 फुट का हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये आगे पीछे हो सकती है, रिक्लाइन भी हो सकती है और डिक्लाइन भी हो सकती है। यहाँ पर आपको एक कप होल्डर दिया गया है, पीछे भी आपको एक स्मार्ट स्टोरेज पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर AC के वेंट दिए गए हैं, जिसे ठंडी ठंडी हवा ऑपरेटर साहब ले सकते हैं। पीछे की ओर भी आपको वाइपर दिया गया है, उसका कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलता है। विजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार विजिबिलिटी XCMG ZL50 की ऑपरेटर केबिन से आपको देखने को मिल जाती है। सामने की ओर आपको 4.5 क्यूबिक मीटर का कोल बकेट भी कहते हैं, जिसको प्लेन बकेट भी कहा जाता है, देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बूम सिलेंडर भी देखने को मिलता है, लाइटें भी यहाँ से दिखी जाती है और टायर भी यहीं से भी दिख जाते हैं। एक लड़का भी जा रहा है बढ़िया तरीके से यहाँ पर। तो विजिबिलिटी के मामले में ये केबिन शानदार है। स्पेस मैनेजमेंट की बात करें तो मैं 6 फुट का हूँ और मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। दरवाजा आपको खोलना है, यहाँ से आपको पुश करना है, यहाँ से आप दरवाजा खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। यही कुछ हाल है इस केबिन का। बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से केबिन को डिजाइन किया गया है। नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेक दिया गया है और यहाँ पर लीवर पेडल दिया गया है, जहाँ से आप लीवर देके मशीन को काफी तेजी से भगा सकते हैं। आगे की ओर आपको वाइपर देखने को मिलता है। तो ये कुछ है XCMG ZL50 की केबिन, बहुत ही शानदार। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ऐसे कौन से व्हील लोडर या मशीन की केबिन का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। मैंने जितना फास्ट, जितना शॉर्ट हो सके उतना मैंने आपको XCMG ZL50 की केबिन के बारे में डिटेल में आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और एक लाइक बटन भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।